मैंने टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस अभी अभी शुरू किया है। मेरा फेवरेट फीचर तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है, बस बोर्ड शेयर किया और लिखना शुरू, वही क्लासरूम वाली फील। पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला अच्छे से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा है। वो खुश तो मैं खुश। इसीलिए कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। अभी डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल में। दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे, यूपी लैपटॉप और टैबलेट से रिलेटेड यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस जारी किए गए हैं 2, ठीक है। और कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस में ये चीज़ ड्राइव की गई है, ठीक है, यूपी सरकार की तरफ से, ठीक है, और BTUP की तरफ से। सब कुछ मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ और लास्ट डेट इसकी क्या है वो भी मैं नोटिस में बताऊंगा। नोटिस है ये, ठीक है, कोई मतलब न्यूज़ नहीं है, नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवा लेना, पूरी लिस्ट है, कम से कम मान के चलिए 25 से 30 डॉक्यूमेंट है, तो वो जरूर बनवा लीजिएगा। अगर वो नहीं बनवाओगे तो भैया बहुत मुश्किल है लैपटॉप की और टैबलेट की योजना को ले पाना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और जो बच्चे हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको पल पल की नोटिफिकेशन मिलता रहे, और टेलीग्राम पर भी जुड़ जाएं, इसका फॉर्म भी मैं इस पर डाल दूंगा। और कई सारे बच्चों के कॉलेज से फॉर्म भरे जा रहे हैं, इस फॉर्म जो किस तरीके से भरे जा रहे हैं इसका वीडियो मैं शायद आज शाम को अपलोड कर दूँ, हो सकता है मेरे कॉलेज से जब आ जाएँ तो मैं अपलोड कर दूँगा। और आपके कॉलेज में फॉर्म भरना शुरू हुए हैं नहीं हुए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, तो इस पर मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भर सकते हो। ये नोटिस आप यहाँ देख सकते हो, ऑफिशियल नोटिस है, कानपुर से नोटिस को प्रकाशित किया गया है। आराम से पढ़िए, जूम कर दे रहा हूँ। बहुत से बच्चे कहते हैं सर नोटिस दिखाइए, है ना, तो पहले आप नोटिस देख लीजिएगा। बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है, समस्त राजकीय अनुदानित संस्थाएं उत्तर प्रदेश की, ठीक है। 12 तारीख का ये नोटिस है, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था वीडियो बनाने का, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखिए विषय है आपका, प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्ति हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण किए जाने के संबंध में नोटिस निकाला गया है। अब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहां से करना है, इसका वीडियो आज शाम को मिल जाएगा, हो सकता है, क्योंकि हमारे कॉलेज से भी नोटिस आने वाला है कि किस तरीके से फॉर्म भरा भरोगे। कई सारे बच्चों के फॉर्म भरे भी जा रहे हैं, कॉलेज से भरवाए भी जा रहे हैं, ठीक है। मैं शाम को बता दूंगा इसके बारे में, टेंशन ना लो। ये चीज देखो, ये मेन टॉपिक इसका 1 अक्टूबर 2021 का संदेह ग्रहण करने का कष्ट करें, ठीक है। युवाओं की तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण किए जाने के संबंध में निर्धारित फॉर्मेट पर संबंधित लाभार्थी युवा वर्ग का डाटाबेस उपलब्ध कराने की यहाँ पर बात ये लोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप लोग ये चीज देख लीजिएगा, ये उक्त जो कार्य है ना वो अवगत कराना है कि शासन के अब वाचानुसार संलग्न प्रारूप का डाटाबेस फील्ड आगामी 3 दिवस के अंदर अंदर आपको यूराइज पोर्टल पर अपलोड करना होगा, ठीक है। यूराइज पोर्टल पर अपलोड करना होगा 3 दिन के अंदर अंदर। तो आप लगभग लगभग इसकी जो लास्ट डेट है बच्चों वो 16 से लेकर 18 तक बीच है, आप लोग जल्दी जल्दी इसको मतलब फिल कर दीजिएगा जिससे आपको कॉलेज में कोई दिक्कत ना आए और लैपटॉप आपके कॉलेज में ही आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर 3 कार्य दिवस में इसको करना होगा, ठीक है, यूराइज पोर्टल पर अपलोड कराएं। सूची है कि पोर्टल पर अपने पर आपके लॉगिन में ही डेटा उपलब्ध है। आप किस तरीके से, मैं अगले वीडियो इसके लेकर आने वाला हूँ, जिसे आंशिक रूप से परिवर्तन करते हुए सूचनाएं अपलोड करें ताकि आपका जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के, है ना, प्रदेश के युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण किया जा सके। अवगत हो कि उक्त का मुख्यमंत्री जी की योजना का आच्छादित है, अतः उसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाए। BTU की तरफ से ऑफिशियल नोटिस निकाला गया, आप देख सकते हो यहाँ पर प्राविधिक शिक्षा के यहाँ पर मनोज कुमार जो कि निदेशक है हमारे, उनके सिग्नेचर भी यहाँ पर दे रखे हैं। तो कहने का मतलब बच्चों मेरा यही है इस नोटिस के माध्यम से कि ये नोटिस यही कह रहा है कि आप लोगों का भैया लैपटॉप मिलने वाला है, कॉलेज में आपके भेज दिया जाएगा और कॉलेज से ही फॉर्म भरवाए जाएंगे।
और कई बच्चों के कॉलेज से क्या हो रहा है, गूगल फॉर्म आ रहा है, तो गूगल फॉर्म भी इसी तरीके से भरवाया जाएगा। तो वीडियो को यार देखते रहो, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है काफ़ी। और अब देखिए कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, और मेरे कॉलेज से भी जब फॉर्म आने वाला है उस सप्ताह शाम को आ जाए, जैसे ही आएगा मैं सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा बच्चों, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, शाम तक वीडियो आ जाएगा उसकी, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स का डाटा फॉर्मर क्या क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल नोटिस में बच्चों इसको मेंशन किया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ये चीज़ आपके लगने वाली है, स्टूडेंट्स नेम, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपका, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, स्टडी सक्सेसफुल नाम से मिल जाएगा, ठीक है। परमानेंट एड्रेस हो गया, तहसील हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये सारी चीज़ आपको भरना पड़ेगा फॉर्म में। अब किस तरीके से भरना पड़ेगा इसका भी वीडियो जल्दी आने वाला है, शाम तक आ जाएगा, टेंशन ना ले। पिन कोड आपका, नेटिव स्टेट आपका, यूनिवर्सिटी नेम है, इंस्टीट्यूट कोड आपका, नेम और एड्रेस, एनरोलमेंट नंबर, नेम ऑफ कोर्स जो भी आपका हायर एजुकेशन है, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल, ये सभी लोगों के लिए मिलेगा, ठीक है। लेवल ऑफ कोर्स, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना, ये सारे आपको दे रखा है, कोर्स इन बीए, बीएससी, बीकॉम, ये दे रखा है आपका, एमबीबीए, एमबीए आपका दे रखा है, और करंट कोर्स फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, और सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जो भी आपके जितने सब्जेक्ट हैं सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना होगा स्टूडेंट्स, तो ये सारी डिटेल आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे मैं आपको बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट है, ये आपको बनावा के रख लेना है, नहीं है तो भैया जुगाड़ कर लो इन चीज़ों का, बाद में मत करना सर बताया नहीं हमें कि हमारा डॉक्यूमेंट छूट गया, तो बता रहा हूँ ये सारे डॉक्यूमेंट आराम से पढ़ लो, रीड कर लो, वीडियो को पॉज करके देख लो, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए, ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको बनवा लेना है, अगर नहीं है तो भैया ठीक है दिक्कत कोई नहीं आएगी आप लोगों के लिए। और देखो ये नोटिस क्या है, ये नोटिस सेम है, मतलब इन्होंने जो नोटिस निकाला 30 सितंबर के लिए, उन्होंने यही बताया कि जो स्मार्टफोन टैबलेट की योजना है उसको ग्रहण करने का कष्ट करें, डाटाबेस उत्पन्न होने की स्थिति में अवगत कराने के संबंध में है। कहने का मतलब बच्चों पूर्णतः यही है मेरा कि आप लोगों का जो भी रजिस्ट्रेशन होने वाला है वो आपके कॉलेज से ही होगा, कॉलेज वाले आपको एक फॉर्म देंगे, गूगल फॉर्म की तरह भरा भराया जाएगा, उसका जैसे ही मेरे कॉलेज से आएगा मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, शाम तक आ जाएगा मुझे उम्मीद है, और आपके कॉलेज से आया है नहीं आया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस नोटिस के माध्यम से आपने देखा कि ये सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, इनको भैया बनवा लीजिएगा अच्छे से, मैं एक बार पुनः आपको बता दिया हूँ अच्छे से, और इसको अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा जिससे कोई दिक्कत वगैरह ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सारे डॉक्यूमेंट आप आराम से बनवा लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो या फिर कॉपी पेन पर नोट भी कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और मैं जल्दी इसका किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा गूगल फॉर्म वो भी मैं लेकर आने वाला हूँ, मेरे कॉलेज जैसे ही आएगा तुरंत वीडियो बना दूंगा। चलिए फिर आज की वीडियो इसको यहीं पर एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम।